अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं, ये अलखिसा का फ़ोटो है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लगभग 3 साल से ये काम चल रहा है। काम चलने की वजह से रोड बंद है, गाड़ियों के चलने की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग परेशान हैं। अभी तक काम के ख़त्म न होने की वजह से वहाँ के लोग गाड़ियों के शोर शराबा, धूल मिट्टी और रोड बंद होने की वजह से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि अपने घरों के सामने में गाड़ी को भी पार्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोगों ने काम को जल्द ख़त्म करने की अपील की है ताकि वो लोग फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लौट सके। रैयान बलदिया वाले बराबर इंस्पेक्शन टूर में लगे हुए हैं। फूड कंपनियों में जाकर के बराबर चेक करते रहते हैं कि वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक के गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। यहाँ की जो टीम है वो अचानक कहीं भी जाकर के छापामारी करती है, चाहे वो होटल हो, कैफेटेरिया हो, या ये के सुपरमार्केट हो या बड़े मॉल हो, सब जगहों पर बराबर इंस्पेक्शन टूर चलता रहता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अल रैयान टीवी पर 2 वीडियो दिखाया गया। पहली वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि आगे जो गाड़ी चल रही है उसके पीछे में एक मोटरसाइकिल है जो कि डिलीवरी बॉय लग रहा है। दोनों गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से मोटरसाइकिल आगे वाली गाड़ी को टक्कर मार देता है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो बच गया। दूसरी वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी सिग्नल पर नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही है। जब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है तो आगे चल करके दूसरी गाड़ी उससे टकरा जाती है, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो दिखा करके लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में आगाही देना है। दो गाड़ियों के बीच में मुनासिब डिस्टेंस को रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह सिग्नल पर ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह लापरवाही का रिजल्ट क्या निकलता है आप लोगों ने थोड़ा पीछे देख लिया। मुरूर की तरफ से एक और बात कही गई जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि आप मान लीजिए सिग्नल पर हैं, आपका सिग्नल खुल गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा, दाएं बाएं भी आपको देखना होगा कि कोई गाड़ी सिग्नल तोड़ करके आगे तो नहीं बढ़ रही है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है जिसने ट्विटर के जरिए एक कतरी लेडी के बारे में नेगेटिव कमेंट किया था। स्क्रीन पर आप जिस लेडी को देख रहे हैं, ये वो लेडी है जो कि कतर के लिए एक खेल में गोल्ड मेडल को जीतने में कामयाब हो गई। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इसके बारे में बैड कमेंट किया, जिसकी वजह से पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।